सो गाइज ये है मेरा बिगिनर मेकअप लुक जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बिगिनर मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो ये मेकअप लुक बहुत ही मैंने ध्यान में रख के किया है कि सारे प्रोडक्ट्स जो है बिगिनर्स के पास होता है उसी प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। बहुत ही एक्सप्लेन करके, बहुत ही हर एक प्रोसीजर हर एक स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन करके मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। आई होप आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलेगा इस वीडियो में चलते हैं। हे गाइस, इज आशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एपिसोड है स्टेप बाय स्टेप बिगिनर मेकअप। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बिगिनर मेकअप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो भी सारे प्रोडक्ट्स ना बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट और बिगिनर के पास जो होगा ना उसी प्रोडक्ट के साथ कर रही हूँ, ताकि ये सोच के कर रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ तो वो प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होगी। तो यही सोच के किया है कि हर बिगिनर्स के पास वो प्रोडक्ट हो, वो सोच समझ के और कम से कम प्रोडक्ट यूज़ किया है, ताकि आपको भी ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज ना करो और एक ईजिली क्यूट साइज से लुक आप क्रिएट कर सको। तो यही है मेरा बिगिनर मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है। तो सो गाइस, यही है बिगिनर मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है। आप देख सकते हो बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ इस लुक को मैंने क्रिएट किया है। तो बिफोर गोइंग टू माय वीडियो, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो इसे और कमेंट करो कि आपको ये कैसे लगा। वीडियो में जाने से पहले और एक बात थी गाइज, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने बोले कि मेरे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैंने लेटेस्ट वीडियो कुछ भी अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, ऐसे मुझे पता चला है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप आपके जो यूट्यूब का जो है उसे अपडेट करिए। आप यूट्यूब को अपडेट करोगे तो तुरंत आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे गाइज। तो गाइज इतना ही, चलिए गाइज मेकअप ट्यूटोरियल बताती हूँ कि कैसे मैं इस लुक को क्रिएट की हूँ। तो कैसे करते हैं बिगिनर मेकअप लुक, तो चलिए वीडियो में चलते। तो बस बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए सब कुछ। तो सबसे पहले हमारे फेस को हमें प्राइम करना ज़रूरी है एज अ बिगिनर। तो मैं मेरे फेस को प्राइम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल। आप तो ये बिगिनर के पास सबके पास होता है एलोवेरा जेल, तो इसको ही मैं एज अ प्राइमर यूज़ करूँगी मेरे फेस में। तो मैं इसको थोड़ा सा ले रही हूँ। प्राइमर यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है, जो भी केमिकल्स होते हैं हमारे, जो भी फाउंडेशंस हम अप्लाई करेंगे, कुछ भी अप्लाई करेंगे केमिकल्स हमारे फेस में, ये प्राइमर एज अ बैरियर काम करता है और ये प्राइमर हमारे स्किन तक इसको जाने नहीं देता है। तो कोई परफेक्टिंग फाउंडेशन, आप चाहे तो बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये फाउंडेशन इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि सारे बिगिनर्स के पास ये फाउंडेशन होता ही है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही अफोर्डेबल है एंड सबके पास होगा, तो इसके लिए ये वाला। तो मैं इसको मेरा बैक ऑफ माई हैंड्स ले रही हूँ ताकि एप्लीकेशन ईजी हो जाए। तो उसको मैं बैक ऑफ माई हैंड्स लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मैं इस मेरे फेस में डॉटिंग मोशन में अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो कुछ इस तरह, ये फोर एड सब जगह मैं अप्लाई कर दूंगी और हमें नेक में बिल्कुल नहीं भूलना है फाउंडेशन अप्लाई करना। तो मैं मेरे नेक में भी फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। अब मैं इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूंगी मेरे फेस में डैबिंग मोशन में। मैंने फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर लिया मेरे फेस में। अब स्टेप आती है कंसीलर। तो जो भी हमारे डार्क सर्कल्स होती है, जिसको डार्क सर्कल होती है उनके लिए कंसीलर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कवर गर्ल का कंसीलर, ये काफ़ी बहुत अच्छा कंसीलर है। तो मैं इसे एज माई कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं ऐसे टी डायरेक्शन बोलते हैं ना, यहाँ से फॉरहेड से लेके नोज से लेके क्यूपिड बोन्स तक, फॉरहेड से लेके नोज से लेके क्यूपिड बोन्स तक एंड अंडर आइज में मैं इसको अप्लाई करूँगी। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ गाइस। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे अंडर आइज पे, और जैसे हम टी ड्रॉ करते ऐसे ट्राइंगल में ऐसे ड्रॉ करना है हमें कंसीलर।
सेम वे इधर भी जैसे टी ड्रॉ करते हैं एज अ कंसीलर, जैसे ट्राइंगल बनाते हैं स्कूल टाइम पे उल्टा वाला ट्राइंगल, तो ऐसे ही हमें अप्लाई करना है। और नोज में एक सीधा सा एक लाइन खींचना है, और क्यूबिड्स बोन में थोड़ा सा, और इधर, और फोरहेड में भी थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे दो लाइन करके ऐसे इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो मैं उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ पे मैंने फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई किया। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना, कंसीलर इसलिए अप्लाई करते हैं ये तो डार्क सर्कल हाइड करता है, साथ ही साथ ये हमारे फेस को एक अच्छे से हाईलाइट दे देता है हमारे फेस में एक अलग सा, तो इसके लिए तो अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया ऑल ओवर माय फेस। काफ़ी हद तक हमें नेचुरल लगना चाहिए, ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत ईजी वे। तो मैंने सब कुछ देख सकते हो आप, अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, तो मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस को सेट करने, जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे मैं सब जगह सेट कर दूँगी। तो मैंने कॉम्पैक्ट को अच्छे तरीके से मेरे फेस में, फिर सबसे उसके बाद हमें आईब्रोज फिल इन करनी होते हैं। तो आईब्रो फिल इन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ए मिस क्लायर का आईब्रो पेंसिल, तो ये ब्लैक कलर का है, मुझे ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल बहुत पसंद है, तो मैं इससे मेरे आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी। तो ये बहुत ही पेंसिल इसलिए एज अ बिगिनर आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आप पेंसिल से आप फिल करते हो तो आपको बहुत ईजी रहता है, क्योंकि पेंसिल से आप कभी गलत नहीं जाओगे। तो मैं बस ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ कौन से भी डायरेक्शन पे। इसको ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से, और इसमें जो ब्रश है ये वाला, इसके टॉप में एक ब्रश है, इसी से मैं सारे एक्सेस निकाल दूँगी, आप देख सकते हो। सो गाइस, मैंने आईब्रोज अच्छे से फिल इन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आई शेडो। तो आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ मेरा मैक आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं यूज़ करूँगी ब्राउन कलर का शेड, तो मैं आई शेडो यूज़ करने जा रही हूँ ब्राउन कलर का आई शेडो, जो ये कलर है, तो इसको मैं ले रही हूँ मेरे ग्रीस लाइन में अप्लाई करूँगी। इसे मैं ब्राउन ही यूज़ कर रही हूँ ताकि तो आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ ब्राउन कलर अप्लाई करना है, सिर्फ एक ही कलर का मैं टीच कर रही हूँ बस। हमें लिटिल बाय लिटिल करके हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। हमें एक साथ ज़्यादा कलर लगा देंगे तो फिर बोलते ना हम लोग ड्रैगन लग जाएंगे, तो इसके लिए हमें लिटिल बाय लिटिल करके अप्लाई करना है ताकि लगाऊं। कि आईलाइनर के लिए भी यूज़ कर रही हूँ लैकमे इंस्टा आईलाइनर, तो इसको मैं मेरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी अच्छे से। एक विंग नहीं ड्रॉ करूँगी, नॉर्मल एवरीडे लुक आना चाहिए इसके लिए, मैं विंग नहीं ड्रॉ करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल एक कुछ इस तरीके से कर रही हूँ मेबलिन कलर्स मस्कारा, और इससे मैं अच्छे से मेरे आईलैशेस में फेवरेट मस्कारा, और एज अ बिगिनर आप लोग के लिए भी ये वाला मस्कारा बहुत ही बेस्ट होगा, तो इसे मैं इस तरफ भी लगा लूँगी अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो सेम वे मैं लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। कलर का शेड लूँगी जिसमें ब्राउन कलर का शेड है, देखिए, तो ये कलर का शेड लेके मैं कॉन्टोर करने जा रही हूँ मेरे फेस में। तो पर चलिए, तो इधर कॉन्टोरिंग यहाँ से यहाँ पे करना है, तो मैं कर रही हूँ कॉन्टोर, तो सेम वे इधर भी। कॉन्टरिंग होने के बाद
अब मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट एडीएस का ब्लश है ये पिंक कलर, मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत ही नेचुरल कलर देता है ये, तो इसको ही मैं मेरे चिक्स पे अप्लाई करूँगी। काफ़ी हल्का सा ताकि कुछ ओवर ड्रॉ नहीं लगे। मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमे का 9 to 5 लिपस्टिक, जिसका शेड बर्गंडी। तो ये लिपस्टिक कलर मुझे बहुत ही पसंद आया तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें लिपस्टिक तो इस... आईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईलाइटर, तो इससे मैं हाईलाइट करूँगी मेरे थोड़ा सा इधर आई पॉइंट ऑफ में चिक्स में लगाऊंगी। थोड़ा सा ब्राउन में ताकि वो डिफाइन हो जाए। फाइनल मेकअप बिगिनियर लुक, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ जो डेली कंप्लीट किया है, जो एवरीडे बिगिनर मेकअप लुक है। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, टीनेजर हो, आप कोई भी हो, ऑफिस जाने वाले कोई भी, आप इस लुक को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईजिली मैंने स्टेप बाई स्टेप इस वैसे वाला लुक को मैंने क्रिएट किया है। सो आई होप गाइज आपको ये लुक पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट। तो गाइज बस इतना ही, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो मीट इन माय नेक्स्ट एपिसोड गाइज, बाय गाइज, टेक केयर, बाय बाय।